बच्चे के चढ़ाव पर न चढ़ें, क्योंकि आपका दोनों दल का नेता भगोड़ा है, आपका दोनों दल का नेता स्कूल के रक्षक हैं। जब भक्षक हो गए, इनके पास जो सरकारी निर्धारित इनके पास जो लाइसेंस दिया गया था, इनको स्वयं आत्मरक्षा के लिए दिया गया। दाएं देखे दे सोलंकी बीएड टेक जो टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल है, स्कूल के रक्षक हैं। जब भक्षक हो गए, इनके पास जो सरकारी निर्धारित इनके पास जो लाइसेंस दिया गया था, इनको स्वयं आत्मरक्षा के लिए दिया गया। धड़धड़ा करके आप किसी निर्दोष पर आप फायरिंग कर दें, लेकिन आप पर यही कहना होगा कि हमने आत्मसुरक्षार्थ रूप से गोली चलाई, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा। चलिए, अब तो दोनों तरफ से कानूनी का पेंच फंसा हुआ है, अड़चने हैं, 4 जून की प्रतीक्षा है। बस हमारा ये चैनल अपील करता है, आज इस वीडियो को दिखाकर प्लीज़ शांति बनाए रखें। अब इतना फोर्स है, इतना बल की प्रतिनियुक्ति है कि यहाँ पर किसी तरह कोई पढ़ नहीं मार सकता, लेकिन फोर्स की प्रतिनियुक्ति अलग चीज़ें हैं। आप अपने को प्लीज़ आत्मसंयम रखें, किसी के चढ़ाव पर न चढ़ें, क्योंकि आपका दोनों दल का नेता भगोड़ा है, आपका दोनों दल का नेता भगोड़ा है। किसी से दर्शन नहीं होगा, कोई हवाई जहाज से उड़ जाएगा, कोई सिंगापुर चला जाएगा। जब दोनों भगोड़े हैं, मत लड़िए प्लीज़ आपस में, मत रखिए मन में शंका, मत रखिए एक दूसरे के प्रति घृणा। क्यों, जो भी घटनाएं हुई है उन लोगों के कारण घटना घटी है। कोई बनेगा एक एमपी, कोई नहीं बनेगा, एक बनेगा सेकंड एमपी यानी हारने वाला। दोनों की कहानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन वो जो यादें प्लीज़ दिल में ना रख करके, हम चाहेंगे कि क्योंकि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन कानून सब आपके साथ है, और कभी भी हमारा चैनल लोक स्मार्ट चैनल कभी नहीं चाहता कि ये, हम चाहते हैं हमेशा प्रशासन का सहयोग करना, आचार चुनाव संहिता का जो दिया गया जो नियमों को फॉलो करना। काश उस दिन 20 मई को शाम को एक दल के राजद दल के जो कैंडिडेट थी, उनको अगर सही मालूम से गाइडलाइन उनके पास रहा होता कि नहीं देखिए इस तरह से फॉलो करना है, उनसे भी बड़ी हुई है चूक। और उन्होंने जिस तरीके से जो मतदान के समय उनको भी ज़्यादा भ्रमणशीलता नहीं रहना चाहिए था, ये अगर उनको कोई शिकायत थी, ऑब्जर्वर होते हैं विभाग के, ऑब्जर्वर होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, उनको मैसेज कर देना चाहिए था कि यहाँ पर जो भी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन कानून तो खुद उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। अगर कानून हाथ में नहीं लेती, अगर मैसेज आचार चुनाव संहिता के ऑब्जर्वर को अगर वो जो आचार्य रोहिणी साहब दे देती, तो तुरंत वहाँ से लोग आते, लेकिन उनसे भारी हुई भूल, वो भूल गई कि कैंडिडेट हैं, भावी हैं। उनके दिमाग में आ गया कि हम लालू जी के पुत्री हैं, हम दबंग हैं, हम यहाँ के हैं। यही थोड़ी सी उनकी भूल, थोड़ी सी उनकी लापरवाही, थोड़ी सी उनकी अज्ञानता, उनको कोई जानकारी नहीं था कि मतदान के दिन कैसे घूमा जाता है, क्या उनका अधिकार क्षेत्र है। थोड़ी सी चूक हुई, भाषावासी हुआ, जिसका परिणाम अगले दिन सुबह दुकान के भीतर काश अगर उस रात अगर थोड़ी सी सतर्कता, यहाँ के DSP रैंक होंगे, SDPO कंट्रोलिंग और नगर थाना के जो टाउन थाना के जो इंस्पेक्टर होंगे, काश उन लोगों के बीच में तालमेल नहीं बैठा, अगर उस 20 मई की रात में अगर वो लोग यहाँ से काफ़ी फोर्स का डेपुटेशन कर देते, सघन पेट्रोलिंग करते, सुबह टाइगर मोबाइल या कई मोबाइल से भ्रमणशीलता अगर हो जाते पुलिस के, हम दावा करते हैं कोई भी घटना नहीं घटती। यानी कि सीधे तरीका से पुलिस के भी यहाँ निकम्मापन कह सकते हैं। एक SPDM क्या करे, SPDM से बिल्कुल अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन दोषी है यहाँ का DSP, दोषी है यहाँ के इंस्पेक्टर, दोषी यहाँ का लोकल प्रशासन, अलर्टनेस रहता तो याद है आज की जो छपरा की ऐतिहासिक घटना हुई है नहीं घटती। और सबसे बड़ा ताजुब ये हुआ कि यहाँ के SDO साहब जो हैं, यहाँ के टाउन के इंस्पेक्टर जिसके चार्ज में है,
आश्चर्य कि जो आचार चुनाव संहिता में सभी को आर्म्स को जमा कर देना है, सभी को लाइसेंसी हथियारों को जमा करना है, सर्टिफिकेट लेना है, वेरिफिकेशन कराना है। आश्चर्य की बात है कि सोलंकी के फैमिली ने यहाँ के जो जितने रूढ़ी जी के समर्थकों के द्वारा क्यों नहीं आर्म्स को जमा किया गया, ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। क्या रूढ़ी जी का प्रभाव था पुलिस स्टेशन पर? क्या इनका प्रभाव था कि बीजेपी के हैं तो क्या बीजेपी के हैं लोग तो क्या आर्म्स असहला जो भी होता है असलहा को आप जमा नहीं करेंगे, आप जांच नहीं कराएंगे, है दोषी यहाँ पर? इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, कहानी पर नहीं जाना है। अब तो चूँकि इंक्वायरी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय गया हुआ है, आचार चुनाव संहिता के पास गया हुआ है, बस फलाफल की प्रतीक्षा है। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कम से कम यहाँ के SDO और यहाँ का DSP, टाउन इंस्पेक्टर लोकल बिल्कुल घेरे में है, लापरवाही के घेरे में है। आर्म्स की जांच कराने की सारी जिम्मेवारी बिल्कुल SDO साहब सदर की होती है, जो खुद इतने लापरवाह यहाँ के SDO हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, और जिनकी लापरवाही के नमूना हुआ एक छपड़ा का ये इतिहास हो गया। बस हमने अपने भ्रमशीलता दिखाते हुए कहानी को थोड़ा सा याद दिलाते हुए हम चाहेंगे जो घटना होना तो हो गया, जाने दीजिए, बस बस शांति रहिए प्लीज़। कोई नेता नहीं आपके पास मलहम लगाने के लिए आएगा, ना कोई बोलने के लिए आएगा। ये राजद के आचार्य रोहिणी साहब को देख लेंगे, बहुत जल्द यहाँ से सिंगापुर उड़ जाएंगे। रूढ़ी जी को देख लेंगे, बहुत जल्दी दिल्ली उड़ जाएंगे। ये दोनों हवाई जहाज पर उड़ने वाला कैंडिडेट ने दोनों ने आग लगा दिया छपरा में। आज हमारा निर्दोष दो निर्दोष लोगों की इसमें बेजान के साथ जो घटना घटी है, प्लीज़ 3 का 33 या जो बोलते हैं मोबाइल पर उनसे भी गुजारिश है, प्लीज़ हार्ड स्लोगन ना बोले, प्रेम की भाषा बोले, स्थिति को नियंत्रण रखे। बस इतने ही कहते हम चाहेंगे कि छपरा में शांति का स्तूप है, यहाँ शांति बनाए रखे। फिर मिलेंगे आपको हमारे इस वीडियो पर, प्लीज़ ये ऐसा वीडियो है कि प्लीज़ सुनेंगे, ये ऐसा वीडियो है कि शांति प्रिय विधि व्यवस्था नियंत्रण अपवाह सूचनाओं के चक्कर में नहीं, बस प्रशासन शासन आचार चुनाव संहिता के जो नियम है उसका प्लीज़ फॉलो करें। हम उम्मीद करते हैं कि अब कोई अंदर का क्रोध क्रोध को प्लीज़ समाप्त करें और सभी चीज़ को भूलते हुए आइए हम सब एक साथ मिले छपरा में शांति व्यवस्था बोलें। एक बार बोल दें सारण छपरा की जय, सारण छपरा की जय, सारण छपरा की जय। जय हिंद। सार में चलते दिए।